नमस्कार। महाराष्ट्र मुंबई में अब यातायात नियमों का उल्लंघन जेब पर भारी पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर कंपाउंडिंग शुल्क में वृद्धि की गई है। अब नियम तोड़ने पर 200 रुपए से 1,00,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त अविनाश दखड़े के अनुसार जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में विभिन्न यातायात अपराधों के लिए कंपाउंडिंग की नई दरें 1 दिसंबर से लागू कर दी गई है। इससे दुर्घटनाओं को कम करने और नागरिकों के बीच यातायात के प्रति अनुशासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र में विभिन्न अपराधों के लिए कंपाउंडिंग शुल्क 200 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक लगेगा। बिना रिफ्लेक्टर और टेल लैंप के वाहन चलाने, गलत ढंग से नंबर प्लेट लगाने पर 1,000 रुपए का दंड लगेगा। पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 500 रुपए का दंड होगा। दूसरी बार व उससे आगे नियम तोड़ने पर 1,500 रुपए तक दंड चुकाना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों यातायात नियमों को लेकर बड़ी खबर। वहीं मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो अभी बिना शर्तों के या फिर सिंगल डोज वाले को किसी तरीके का टिकट नहीं दिया जा रहा है, ना ही पास दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।